हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे हमारी कॉलोनियों में फीमेल फीमेल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाती हैं फीमेलें। तो ज़ख्मी होने के बाद में हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है उसके साथ, और लड़ाई झगड़ा होने से पहले ही आपको पहुँच जाओ मौके पर तो अच्छी बात है, नहीं तो देर हो जाए थोड़ी तो फीमेल मर भी सकती है। ये देख सकते हो फीमेल को ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया है हमारी एक दूसरी फीमेल ने, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसकी और उसकी मटकी थोड़ी बराबर बराबर में लगी हुई थी, पहले कुछ ऐसा होने का चांस, अब दोबारा ब्रीड पर आ रही है फीमेल ये। और ये ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने जो लिया है, ये देख सकते हैं बीटाडीन की क्रीम जो होती है, एक लोशन भी आता है, मगर जब ज़्यादा ज़ख्म गहरा हो तो हमें लोशन नहीं लेना चाहिए। अगर छिला हुआ जो होता है उस पर लोशन लगाना चाहिए, और जो अगर चोट वोट ज़्यादा लग जाती गहरी तो हमें ये लोशन की जगह क्रीम लेना चाहिए। ये तो मैं पहले यूज कर चुका हूँ इसे, तो इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ इसको। और फीमेल मैंने पकड़ ली है और पूरा पेयर जो था मैंने अलग कर दिया कॉलोनी में से पकड़ के, जो लड़ाई झगड़ा और होता रहता बढ़ता रहता और ये फीमेल मेरी एक्सपायर हो जाती। इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो ये दो तीन दिन में रिकवर हो जाएगी। तो इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ। तो जो भी ट्रीटमेंट है इसका अब आपको दिखाते रहेंगे हम। और अभी मैं इसको पकड़ लिया है और कैमरा पकड़ने के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, तो बड़ी दिक्कत होती है कैमरे की पकड़ने की। तो मैं ट्राईपॉड वगैरह मंगा लूँगा आजकल में। तो ये क्रीम लगा रहा हूँ मैं इसके, तो बहुत मतलब झटपटा रही है, एक्टिव तो बहुत है फीमेल, मतलब सुस्त नहीं बैठी है, जैसे बहुत से लड़ाई झगड़े में सुस्त बैठ जाते हैं पेयर। तो मैंने पूरा पेयर ही अलग कर दिया है, आप सिंगल फीमेल भी अलग कर सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा फाइट हो रही है। तो सबसे अच्छा तरीका है उस फीमेल को अलग कर दें जो जख्मी हो गई है, और जो लड़ाई झगड़ा कर रही है उसे उसी में पड़ा रहने दें। तो जब इनका थोड़ा इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद मैं फिर कॉलोनी में छोड़ दूँगा या फिर इस पेयर को मैं अलग ही रखूँगा अब, क्योंकि पहले तो हुआ नहीं इन लोगों का झगड़ा, अभी हुआ है। तो अभी मैं क्रीम वगैरह लेकर आया हूँ नई मेडिकल पे से, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं, 27 रुपये का है। और अगर आप लोशन लाना चाहते हैं लोशन भी ला सकते हैं, 40 रुपये का लोशन आता है। और इसके पैर में भी ज़्यादा चोट लग गई थी तो मैंने पूरे पैर को अलग कर दिया है सेपरेट में, और उसमें दाना पानी रख दिया है इनका। बाकी जो भी आपके घर में फाइट वगैरह जो क्यों होती है उसके पीछे तो देखो मटकियों का रीजन होता है। और जब दोबारा ये ब्रीड पर आई है, एक बार इसके अंडे ख़राब हो गए थे तो ये दोबारा ब्रीड पर आई है फीमेल, तो इसलिए ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है। और वो उसके बच्चे हैं शायद, ये उस वाली फीमेल के पास में बच्चों के साथ घुस गई होगी, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ है इन लोगों में। और मैंने अब ट्यूब वगैरह लगा के इसको केज में छोड़ दिया दोबारा से, अब देखते हैं। इसको दाना पानी रख दिया हमने, वैसे तो एक्टिव है ये, मतलब सुस्त वगैरह नहीं बैठ रही है, बहुत मतलब झेल गई झपट को। और हमने लड़ाई झगड़ा मतलब अगर पहले रोक लेते हैं इनको तो इतनी जख्मी नहीं होती फीमेल मेरी, और रात भर हुई है लग रहा है इनकी लड़ाई। रात में तो मैं 10 बजे के बाद में एक बार चेक करके चले जाता हूँ, फिर उसके बाद सुबह ही देखता हूँ मैं। सुबह देखा तो मैंने एक साइड में बैठी हुई थी नीचे, ये उड़ रही थी मगर ये नीचे बैठी हुई थी, तो फिर मैंने इसको अलग कर दिया पकड़ के। और देखते हैं अब इसको एक दो दिन में रिकवर हो जाएगी, फिर इसको दोबारा कॉलोनी में छोड़ते हैं या फिर सेपरेट करते हैं। और फीमेल वो दिखा देता हूँ मैं आपको, वो बैठी है सामने पाइड में, जूम कर लिया मैंने इसके, देख सकते हो खून वगैरह भी लग रहा है। तो जिस पे फीमेल बैठी हुई है उसमें बच्चे हैं इसके 4, और ये जहाँ पे ये फीमेल पाइड की बैठी है इसकी मटकी वो है जो जख्मी हो गई जिस पे बच्चा बैठा हुआ है। तो इसीलिए मैंने पकड़ के अलग कर दिया, हो सकता है उस पे भी चोट लगी होगी उसके, मगर ज़्यादा चोट वोट नहीं आई है, मैंने देखा था उसको भी पकड़ के चेक करके, इस फीमेल पर ज़्यादा चोट आई है। तो यही सब तरीके होते हैं, हमें अपने परिंदों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना चाहिए क्या क्या उनके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है। और फीमेल ही ज़्यादा लड़ती हैं कॉलोनी में, तो क्योंकि फीमेल ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। अब दोबारा ब्रीड पर आ रही हैं फीमेल है मेरी, ये बच्चे इनके बाहर आ गए हैं, एक आध दिन में मैं इनको बच्चों को अलग कर दूँगा जो सेल्फ हो गए हैं, और जो अभी छोटे हैं उनको नीचे छोड़ दूँगा कॉलोनी में। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।